दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। तो आपको लगातार हम अजमेर शहर के कई व्यापारियों से मिला रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस कोरोना लॉकडाउन 1.0, कोरोना का लॉकडाउन 2.0 और 3.0 में किस तरीके से अजमेर के अंदर गरीब असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन अब कोरोना 3.0 का जब से वक्त शुरू हुआ है और जब ये ख़त्म होगा, और इस दौरान व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं भी आई हैं। क्या समस्या, किस तरीके की दिक्कतों का सामना इस वक्त इंडस्ट्री को करना पड़ रहा है, व्यापारी वर्ग जो है वो किस तरीके से परेशान है, और आखिरकार कोरोना के बाद जो दिक्कतें आने वाली हैं, जो चुनौतियां सामने आने वाली है, उनसे किस तरीके से निपटा जाएगा, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राधे चोयल जी। बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियल हैं, और लोगों को खूब मोटिवेट करते हैं, अजमेर के मशहूर बिजनेसमैन हैं। चोयल साहब, आपका एमपीटीवी इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कोरोना के अंदर आपने बहुत काम किया, गरीब असहाय लोगों तक मदद पहुँचाई यूनाइटेड अजमेर ट्रस्ट के माध्यम से, और लगातार हम देखते रहे आपको। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि कोरोना से व्यापारियों के सामने कौन कौन सी बड़ी बड़ी परेशानियां इस वक्त आ रही है, क्योंकि आपसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल जुड़े हुए हैं, वो लोग अपनी दिक्कत बता रहे होंगे, तो हम उन दिक्कतों को समझना चाहते हैं कि आखिरकार अब कौन सी परेशानियां आप लोगों के सामने आ रही हैं। सुशील जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन 3 में हम लोग प्रवेश हुए, वैसे ही जान है और जहान भी है कि थ्योरी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अब इकोनॉमी को भी लाइन पर लाना है, और इकोनॉमी जो है MSME और छोटे व्यवसायों पर निर्भर करती है। तो मैं ये देखता हूँ, मैं राजस्थान लेवल की और राष्ट्रीय स्तर की एसोसिएशंस में भी पदाधिकारी हूँ, तो उस नाते पिछले एक महीने से डेढ़ महीने से हम लोग बहुत मंथन कर रहे हैं हर लेवल पर, छोटी से छोटी उद्योग के लिए भी और बड़े से बड़े उद्योगों के लिए भी क्या परेशानियाँ आने वाली है, इस पर हम लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं केवल आज अजमेर की, क्योंकि अजमेर में जिस तरह के उद्योग हैं या जिस तरह के व्यापार हैं, उनके सामने सबसे बड़ा जो संकट है वो संकट है मनोबल का। ये बात किताबी नहीं है सुशील जी, मनोबल एक ऐसा बल है जिसके चलते आदमी हर तकलीफ से विजय पा लेता है। तो सबसे पहली जो मैं समस्या महसूस करता हूँ, जिस तरीके के कॉल हमारे पास आते हैं, वो इतने घबराए हुए हैं कि साहब कैसे तो हम इस बीमारी से बचेंगे, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पालन करेंगे, कैसे इकोनॉमी को लाइन पे लाएंगे, आगे क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। तो इतने प्रश्नों के जवाब एक साथ आदमी जब ढूंढने की कोशिश करता है तो उसका मनोबल थोड़ा धीमा पड़ जाता है। तो सबसे पहली समस्या तो मैं ये मानता हूँ। दूसरे नंबर पर मैं ये समस्या मानता हूँ कि आज हर व्यक्ति परेशानी में है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर हो, श्रमिक हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो, ट्रक चलाने वाला हो, CM हो, PM हो, कोई भी व्यक्ति परेशानियों से अछूता नहीं है आज के टाइम में। आप भी महसूस कर ही रहे होंगे, आज से पहले कुछ महीने पहले आप जब काम करते थे और आज जब आप काम करते हैं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हर आदमी अपने परेशानियों को बड़ा मान रहा है। तो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उसमें ऐसा एक संदेश था कि तेरी कश्ती अलग है, मेरी कश्ती अलग है, लेकिन तूफान तो तेरा मेरा एक है। तो ये जो तूफान है, ये हम सबको मिलके लड़ना है। इसमें आप पार्टी नहीं है, मैं पार्टी नहीं हूँ, सरकार पार्टी नहीं है, उद्योगपति पार्टी नहीं है, एम्प्लॉई या श्रमिक पार्टी नहीं है, हम सब पार्टी हैं इसमें। तो हम सबको मिलके कैसे लड़ना है, इस पर सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए हमको, बजाय मैं दोष निकालूं। देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कुछ भी हो सकता है, उसके नाते आप मजबूर हो सकते हैं कि मेरे को केवल ऐसा ही बोलना है या वैसा ही बोलना है। तो मैं राजनीति से ऐसा जुड़ा हुआ नहीं हूँ कि मेरी कोई पर्टिकुलर राय है, तो मैं तो सॉल्यूशन पर बात करने की बात करता हूँ सर। तो मुझे 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 एक बात समझ जाइए, क्योंकि परेशानियां बहुत है, हर व्यापारी इस वक्त बहुत परेशान है। आपको मैं देखता हूँ बहुत लंबे समय तक, आप बहुत पॉजिटिव हैं, सकारात्मक बातों पर जोर देते हैं, लेकिन जो व्यापारी परेशानी झेल रहा है इस कोरोना से,
उससे कैसे पार पाया जाएगा, क्या विकल्प हो सकते हैं जिनसे व्यापारी बाहर आ सके इस कोरोना की जो परेशानियां जी इस वक्त बिल्कुल। उनके सामने आ रही है। देखिए, जहाँ तक मैंने अभी मनोबल की बात कही, मेरे कुछ दोस्त लोग बोलते हैं कि मनोबल जो है या पॉजिटिविटी जो है ये किताबी टाइप का मटेरियल है, किताबों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है, पॉजिटिविटी से आप सब चीज़ का हल ढूंढ सकते हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, आप 10 लोगों से मिलेंगे, उसमें से 8 आपको दुखों को बढ़ा करके बताने वाले या दुखों को एक्चुअल बताने वाले, एक्सप्रेस करने वाले, अपने दुखों का रोना रोने वाले मिलेंगे, और 2 लोग ऐसे भी मिलेंगे जो चुपचाप उन दुखों का सामना कर रहे हैं या पूरे मनोबल के साथ उन दुखों का सामना कर रहे हैं। तो आप बताइए उनमें से आगे बढ़ने की संभावना किसकी है। या मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि एक घर है जिसमें 20 लोग रहते हैं और किसी कमरे में, एक छोटे से कमरे में कहीं आग लगी है, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आग पर डिपेंड कर देंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आग आग का रिजल्ट क्या हो सकता है उसके बारे में हो जाएगा, आग पर रिलीफ मांगना चालू कर देंगे, लेकिन सॉल्यूशन तो उस आग पर पानी डालने से होगा। तो अभी जो आग लगी हुई है, हर एक का माइंड बॉगल हुआ हुआ है, हर एक का माइंड डिस्टर्ब है, तो इसमें शांति से काम करने की ज़रूरत है। और दुनिया में कौन सी विपत्ति ऐसी है, आप हजारों सालों के इतिहास को उठा के देखो, जिसमें आदमी ने जीत हासिल नहीं की है, हमेशा हासिल किए, कुर्बान हुए हैं, होंगे, इसमें भी बहुत लोग कुर्बान होंगे, कुछ लोग आपदा के कुर्बान होंगे, कुछ सिस्टम के कुर्बान होंगे, कुछ लिमिटेशन के चलते पीड़ित होंगे। आज जब तस्वीरें देखते हैं, एक महिला गोद में बच्चे को उठा के ले जा रही है, उसके हाथ में सूटकेस है, आप बताइए उसके आगे आपकी और मेरी परेशानी क्या परेशानी है, उसके आगे एक व्यवसाय वाले की क्या परेशानी है। 3 महीने नहीं कमाया सही, 3 महीने के बाद कमाएंगे, अब जीवित रहेंगे तो कमाएंगे। तो केवल सोच का तरीका है। अभी जब मैंने ये बात मेरे कुछ दोस्तों से कही तो उन्होंने कहा कि साहब आपका थॉट प्रोसेस इसलिए अलग है क्योंकि आप एक अलग आर्थिक पृष्ठभूमि से पर हैं, इसलिए आपको तो इसलिए आपको ये बात कहना बहुत आसान है। लेकिन सुशील जी, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यही है कि बिना मनोबल के और बिना इस चीज़ के लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अब जहाँ पैकेज की बात आती है, देखिए हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जिसकी दुकान में 6 आदमी काम करते हैं, जिसके इंडस्ट्री में 10 आदमी काम करते हैं, 30% लोगों का मतलब हो गया 3 लोग। जब उसके 10 काम करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि उसमें से 9 भी हो जाएंगे तो उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि 10 लोगों को उसी तरीके से प्रिसाइजली काम बांटा हुआ है, तो वो 3 पे काम नहीं कर पाएगा। अब वो उसकी पीड़ा सही है, लेकिन हर चीज़ को देखना पड़ेगा। अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अभी प्रशासन ने इसकी मंजूरी दी है कि भाई आदमी बढ़ा के आप काम कर सकते हो, तो धीरे धीरे हो रहा है। अभी आलोचना करने के लिए आलोचना करना मैं तो मेरा शौक नहीं मानता कभी भी है। जी पर चोहेल साहब, एक बात बताइए कि लॉकडाउन 1.0 2.0 में सब लोग घर पर रहे, इस दौरान मजदूरों के पास रोजगार नहीं था तो मजदूरों ने पलायन की स्थिति अपनी देखी, जो बिहार से आए, एमपी से आए, यूपी से आए, ये अपने अपने घरों के लिए रवाना होने लग गए। लॉकडाउन 3.0 में ऐसी बहुत सारी तस्वीर आ रही है, ट्रेन चलाई है तो श्रमिक अपने घरों के लिए जा रहे हैं। अब जब वापस से इंडस्ट्रियां खुल रही हैं तो क्या मजदूरों की कमी जी 100% नहीं होगी? आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न किया है। ये अभी इंडस्ट्री खोलने में सबसे बड़ी बाधा जो है वो श्रमिकों का उपलब्ध नहीं होना है। अब क्योंकि वो भी घबराया हुआ है, वो भी अपने घर जाना चाहता है, और वहाँ पर एक आदेश तो उनको ले जाने का है, एक आदेश फैक्ट्री खोलने का है कि आप उनके साथ खोल लो। तो ये जो ये बात मैं कई मंचों से उठा चुका हूँ कि जो कंट्रोवर्सीज हैं ऑर्डर के अंदर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो एक लाइन में नोटिफिकेशन आने चाहिए, वो नहीं आ पा रहे हैं। उनकी क्या मजबूरियाँ हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका इंटरप्रटेशन भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, तो जब कोई आदेश, कार्य आदेश स्पष्ट नहीं होता तो वो इंटरप्रटेशन पर चला जाता है। अब इंटरप्रटेशन जो है वो मैन टू मैन डिपेंड करता है, और यही जो है वो इंस्पेक्टर राज को जन्म देगा, इसी से इंडस्ट्रियलिस्ट डरा हुआ है। अभी चलिए 4-5 दिन 10-7 दिन पहले की बात तो मैं छोड़ता हूँ, जैसे ही लॉकडाउन 3 शुरू हुआ और ये कहा गया कि इंडस्ट्री खोलें, तो मैक्सिमम इंडस्ट्री वालों ने कहा कि सर इस परिस्थिति में इंडस्ट्री हम खोलना चाहते ही नहीं है। तो जब चाहते ही नहीं है तो मजदूरों की बात नहीं है, फिर उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया प्रशासन के द्वारा, तो उन्होंने खोला। तो ये प्रशासन ने कॉन्फिडेंस में लिया, इसका मतलब क्या हुआ, मनोबल बढ़ाया,
जैसे ही उद्यमियों का मनोबल बढ़ा, उन्होंने इंडस्ट्री खोलना शुरू कर दी, क्योंकि घर में कोई नहीं बैठना चाहता, ना मजदूर बैठना चाहता है, वो भी काम करना चाहता है, उसके मन में भी है कि मैं कब तक बैठा बैठा खाऊंगा। तो सारे लोगों की मंशा ऐसी नहीं है कि सब घर में बैठे पैसा मिल रहा है तो हम काम क्यों करें, सबकी मंशा ऐसी नहीं होगी, कुछ की हो सकती है, पर हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि भाई मैं घर में नहीं बैठा रहूं। लेकिन घर में बैठना जरूरी है क्योंकि बीमारी ऐसी है, इस अदृश्य दुश्मन को ना आपने देखा ना मैंने देखा। तो अब इन सबके बीच में जो सहूलियत भरा रास्ता, जो सोशल डिस्टेंसिंग को करते हुए जितना कर पाएंगे वही होगा। अच्छा, अगर स्थिति मजदूर की अच्छी नहीं है, श्रमिक की अच्छी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कोरोना से पहले मंदी नहीं थी? कोरोना से पहले क्या बिजनेस फ्लरिश हो रहा था? क्या उसने इंडस्ट्रीज ने या व्यापारी, मैं तो एक बात छोटी सी बात करता हूँ, पान की दुकान बात कर लो जिसके पास दो लड़के काम करते हैं, क्या उसके पास ऐसा साधन था कि वो अभी तो 2 महीने हुए हैं, 2 महीने शायद और आगे चले जाएं, या स्थिति कैसी रहे कुछ पता नहीं है कि लॉकडाउन 15 दिन जाएगा कि एक महीना बढ़ेगा। तो इस अदृश्य स्थिति में उसके मन में भी डर है कि भाई मैं अपनी दुकान के ताले लगा दूं या मैं मेरे 2 आदमियों से बात करूं कि भाई जितना तुमसे तुम्हारा खर्चा हो वो मेरे से ले लो और मिलजुल के बैठ के हम हमारे संस्थान को चला लें, और फिर जब कमाने लगेंगे, जब मिल बांट के, फिर बैठ के बांट लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़ मैं ये भी समझना चाहूँगा, जैसे कि जब कोरोना लॉकडाउन 1.0 शुरू हुआ तब RBI ने निवेदन किया, रिक्वेस्ट की बैंकों से कि लोगों को 3 महीने की EMI के अंदर राहत प्रदान करें, किसी ने ली किसी ने नहीं ली। बहुत सारे व्यापारी अब इस कर्ज की जो स्कीम है इनसे परेशान है, बहुत दिक्कतों का उनको सामने करना पड़ रहा है। एक बैंक से और RBI से व्यापारी क्या चाहता है, और दूसरा केंद्र और राज्य सरकार किस तरीके का आर्थिक पैकेज की घोषणा करे, किस तरीके की राहत की उम्मीद व्यापारी करता है? जो राहत पैकेज की बात है, अलग अलग संगठनों के माध्यम से मेमोरेंडम दिए, उसके जो मुख्य बिंदु है, वो पहला मुख्य बिंदु तो यह है कि कोलेटरल फ्री लोन दिया जाए। उसमें अलग अलग तरह के लोगों ने सुझाव दिए, किसी ने कहा कि भाई उसके जो भी आज उसने लोन ले रखे हैं उसको 10% से 20% से बढ़ा दिया जाए विदाउट कोलेटरल, यानी कि उसके लोन की कैपेसिटी को रिवाइज किया जाए। दूसरा ये है कि नए लोन्स उसको दिया जाए जिसके अंदर इंटरेस्ट कुछ समय के लिए डेफर्ड रखा जाए। और दूसरी मांग ये थी कि भाई श्रमिकों का जो वेतन है वो सरकार अपनी तरफ से दे, ऐसा कुछ देशों ने किया भी है। और अपनी तरफ से मतलब क्या, आज PF जो है, प्रोविडेंट फंड है, जो मजदूर का ही पैसा है जिसमें मालिक का कंट्रीब्यूशन भी है, दोनों का मिलकर के पैसा गवर्नमेंट के पास एक सरप्लस फंड पड़ा हुआ है जो अनयूटिलाइज्ड है। तो मजदूर का पैसा है, आज वो संकट में उसको वापस दे दो, उस पैसे से सारे MSME और छोटे उद्योग और व्यापारों को उनके कामगारों की 50% सैलरी उस फंड से दे दी जाए। ये डिमांड बहुत सारे लोगों ने की है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL भी दायर है कि भाई जो स्टेट इंश्योरेंस है जो एम्प्लॉइज का, उसके कोटे से पैसा दिया जाए। तो ये दूसरे नंबर का रिलीफ मांगा गया था। तीसरे नंबर के रिलीफ के अंदर कुछ ने GST का रिलीफ मांगा। तो ऐसे करके अलग अलग तरह के रिलीफ मांगे गए हैं, और इसमें से कुछ रिलीफ मिले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में जो फिक्स चार्ज है वो डेफर कर दिया गया, पर डेफर आज कर दिया गया, 2 महीने बाद देना है उसको, उसकी स्थिति तो 6 महीने तक नहीं सुधरनी। तो डेफरमेंट जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, एक राहत है केवल कि भाई उसको रात को नींद आ जाए, इतना सा है, इससे ज़्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेफरमेंट जो है उसकी जगह लोगों ने ये चाहा है कि वो बिल्कुल फिक्स चार्ज, जितने टाइम तक इंडस्ट्री बंद रही है, दुकान बंद रही है, संस्थान बंद रहा, उतने टाइम का उससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल या उसका फिक्स चार्ज नहीं किया जाए। तो ये पूरी आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर ये मुख्य बिंदु मैंने आपको बताएं कि सभी इंडस्ट्री फोरम से ये मांगा गया है। अभी जो फूड से रिलेटेड लोग हैं, जो फूड प्रोसेसिंग करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो FCI है उससे हमको जो है सब्सिडी के ऊपर कम कीमत पर वो गेहूं या वो खाद्यान्न दिलवा दो जो हर साल खराब हो जाता है। जितना हर साल खराब हो जाता है उतना, जो कि खराब होना ही होता है, इनके पास एक कोटा है, उतने कोटे तक खराब होता है तो उसको माइंड नहीं किया जाता, तो उतना कोटा जो है बांट दिया जाए अभी। और बांट क्यों दी जाए, कीमत ले ली जाए, कम कीमत पे बांट दिया जाए। तो ऐसे करके बहुत सारे पैकेजेस मांगे गए हैं, कुछ पैकेजेस मिले भी हैं, जैसे PF ने दिया है कि भाई
जो कर्मचारी का पार्ट है, वो कर्मचारी और नियोक्ता का जो पार्ट है, जो 100 लोगों से कम वाली यूनिट है उनका पार्ट वो दे देगा। अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मैक्सिमम यूनिट उसमें कवर नहीं हो पा रही है अजमेर की। कुछ कवर हुए हैं, कुछ को लाभ मिला है, तो जिनको लाभ मिला डेफिनेटली उनको एक हेल्प तो हुई है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, लेकिन वो बहुत थोड़ा है। अभी सब कुछ आश्वासन लेवल पर है, अब इसके ऊपर पॉलिसी बन रही है या इसके ऊपर मंथन हो रहा है, कैसे करेंगे, तो हम तो आज भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चोहेल साहब, हमारे राजस्थान सरकार के कुछ सूत्रों ने जी हमको एक जानकारी दी आज, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 1,000 के लगभग चाइना से कंपनियां भारत आना चाहती हैं और भारत में राजस्थान आना चाहती है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर बहुत जी तैयारियों में जुट चुके हैं, एक टास्क फोर्स की बिल्कुल कमेटी बनाई जाएगी। अब मैं जी ये समझना चाहता हूँ, जब भारी निवेश, भार की जो कंपनियां हैं वो जी राजस्थान में आ जाएंगी, तो जो इस हमारे लोकल बिजनेसमैन हैं इनको फायदा होगा या देखिए सर, ये नुकसान? डिपेंड करता है कि किस तरह की तो इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी और उनमें से कितनी आएगी, क्योंकि सर वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत बड़े नेगोशिएटर्स हैं। वो एक एक चीज़ को नेगोशिएट करते हैं और जब कुछ उनके फायदे का होता है तो वो आगे बढ़ते हैं। वो केवल स्टेट वेलफेयर या सोशल वेलफेयर के सिद्धांत पर बिजनेस नहीं करते हैं। तो उनका राजस्थान में आना ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरीके से उनको अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे नंबर पे जब उनको अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे जो राजस्थान के लोकल बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, इनको कैसे सेफगार्ड करें, या केवल उनकी मिजाज पुरसी में सब कुछ उनको पुरस देंगे और जो ऑलरेडी हमारे पास जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या व्यापारी है उसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानी आने ही वाली है। लेकिन इसका मेजर फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, उनका कंजम्पशन राजस्थान में नहीं होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, सर्कुलेशन होगा, तो फायदा तो मिलेगा। लोकल इंडस्ट्री को कंपटीशन मिले मुझे ऐसा नहीं लगता। कोरोना के बाद व्यापार कैसे चलेंगे और व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन क्या क्या आपको लगता है कि बहुत सारे परिवर्तन अब करने पड़ेंगे, चेंजेस आएंगे, नए तरीके से व्यापार को बढ़ाना होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर व्यापार को चलाया जाए। आपको क्या लगता है किस तरीके से परिवर्तन आप देख रहे देखिए, हैं अब अब व्यापार यहाँ में? पर देखिए वही बात आती है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। अभी टेक्नोलॉजी के यूज़ का पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन उसका एनफोर्समेंट नहीं हो पाया, या यूँ कह लीजिए कि उसके लिए कोई अभी प्रेरणा नहीं मिली। अब ये कंपल्शन हो गया है कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले एक वर्ड ईजाद हुआ टचलेस, कि आपको कम से कम चीज़ों को छू करके आपको काम करना है। दूसरा हुआ सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हो गया कि अगर आपके पास 1,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग एरिया है तो आप उसमें 1 मीटर स्क्वायर मीटर में आप कितने आदमी काम में ले सकते हो। तो यहाँ पे हो गया कि आपको आदमी कम करने, आपको मैकेनिज्म बढ़ाना है, आपको ऑटोमेशन बढ़ाना है, लेकिन रोजगार भी बढ़ाना, ये चैलेंज फिर एक सामने आता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करना ही पड़ेगा और भारत टेक्नोलॉजी में सक्षम है क्योंकि दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है वो इंडियन ब्रेन्स के कारण हो रही है। अब चैलेंज केवल इतना है कि वो इंडियन ब्रेन इंडिया के लिए कितना काम करेंगे या इंडिया खुद कितना इनोवेट करेगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगले 5 साल जो है वो इनोवेशन के हैं, नए नए इनोवेशन करने पड़ेंगे। कोरोना के साथ जीने की आदत बनानी पड़ेगी अगले 2 साल तक कम से कम, कि आप इन नियमों का पालन 2 महीने 4 महीने के लिए नहीं बल्कि 6 महीने के साल भर 2 साल के लिए करें और उसको करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने जापान है सर। जापान जापान इससे भी बड़ी त्रासदी से गुजरा और आज टेक्नोलॉजी में सिरमौर है वो। तो भारतीयों में कोई कमी नहीं है, हमारे पास वर्क फोर्स है, यंग वर्क फोर्स है। तो इनोवेशन हम करेंगे, टेक्नोलॉजी का सहारा हम लेंगे तो कहीं कहीं भी बढ़ जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम जी एक जी आखिरी बात और आपसे, राजस्थान के अजमेर के जी व्यापारियों के लिए क्या मोटिवेशनल जी मैसेज आपका होगा, किस तरीके से कोरोना से पार पा जाएंगे और उसके लिए किस तरीके से चुनौतियों से लड़ पाएंगे, जी एक मोटिवेशनल आपका संदेश? और दूसरा, क्या हम रोजगार को बचा जी पाएंगे? पहले तो जो आपने मुझे कहा उसको मैं पूरा करता हूँ।
कि अजमेर के व्यापारियों के लिए, अजमेर के इंडस्ट्रिस्ट के लिए मेरा जो संदेश है वो ये है कि ये भी गुजर जाएगा, जैसे वक्त आया, बुरा वक्त आया, धीरे धीरे ये भी गुजर जाएगा। अब अपने मन में बड़प्पन रखिए, आपसे जो छोटा है उसका ख्याल रखिए, और जो मनोबल की स्थिति है वो हर हाल में ऐसी बना के रखनी है कि दूसरे को दो वर्ड हम ऐसे कह सकें जो उसको प्रेरित करें, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो। एक चीज़ दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को स्वस्थ रखने की, खुद को खुद की इम्यूनिटी बढ़ा के रखने की, क्योंकि वो जिम्मेवार है। आपने देखा होगा कि जब हवाई जहाज़ में आप बैठते हैं तो एक संदेश आता है, और वो संदेश ये आता है कि जब कभी भी आपात स्थिति हो तो आप अपने बच्चे के मास्क नहीं लगाएंगे, सबसे पहले खुद के मास्क लगाएंगे और उसके बाद बच्चे को ऑक्सीजन देंगे। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि आप पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पर आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर आपके श्रमिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए स्वयं को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम बनाए रखिए। ये समय भी निकल जाएगा, दुनिया में ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं आई है आज तक जो हमेशा के लिए बनी रही हो जी। आपका दूसरा सवाल दोबारा से दोहरा दीजिए प्लीज। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या हम रोजगार को जी डेफिनेटली, देखिए क्या होगा कि कुछ रोजगार कम होंगे तो कुछ रोजगार बढ़ जाएंगे, और मैं तो एक चीज हमेशा से ये मानता चला आया हूँ कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा निकलता है। अभी दो चीज़ें निकली, मैं बिल्कुल आपको 100% इंडस्ट्रियलिस्ट या एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। एमपी ने और यूपी गवर्नमेंट ने अभी लॉ में, लेबर लॉज में चेंज करने का मानस बनाया है, और वो न्यूज़ में आ भी गया है, अभी उसका इम्प्लीमेंट होना या उसका अध्यादेश जारी होना, बिल्कुल वो टाइम ड्यूरेशन उन्होंने बढ़ा दिया है। अभी इसको दो तरीके से लिया जा सकता है, ये बहुत शुभ संकेत भी है। ये शुभ इसलिए है कि इससे रोजगार पैदा होंगे, एम्प्लॉयर के मन में डर खत्म होगा, वो 3 महीने 4 महीने के लिए अगर किसी को रखना तो रख लेगा, जो पहले नहीं रख पाता था वो आज उसको टेम्परेरी आदमी की जरूरत है वो रख लेगा। पहले वो टेम्परेरी रखने में डरता था कि कहीं ये मेरे गले नहीं पड़ जाए या मेरे पे लेबर लॉस का शिकंजा नहीं कस जाए। तो ये जो रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन रोजगार को बढ़ाएगा दोनों तरीके से। इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि साहब नौकरी से निकाल देंगे क्योंकि हायर एंड फायर का अलाउ कर दिया, कोई आदमी किसी को नौकरी से नहीं निकालना चाहता, कमजोर आदमी जो कामचोर है उसको आदमी निकालना चाहता है। तो जब आदमी काम करना चाहता है तो अच्छे वर्कर को तो दुनिया ढूंढ रही है, हर फैक्ट्री के गेट के आगे लिखा हुआ है श्रमिकों की आवश्यकता, हर फैक्ट्री के गेट के आगे लिखा हुआ है वेल्डर की आवश्यकता, फिटर की आवश्यकता, पर आवश्यकता उसकी जो काम करना चाहता, तो रोजगार में कोई कमी नहीं आएगी मेरे हिसाब से। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से आप मोटिवेट कर रहे हैं अपने बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन को, मुझे उम्मीद है कि जब ये इंटरव्यू अजमेर शहर के व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं, वो भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी एक एनर्जी आएगी। और जो लाइन आपने कही कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपको और हम सबको मिलकर कोरोना के इस बुरे दौर से लड़ना है, और उम्मीद है कि सबसे पहले हिंदुस्तान के जो व्यापारी हैं वो कोरोना से जो आने वाली चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उनसे पार पाएंगे। आज के लिए केवल इतना।